कैसे हुई? जी ये मेरे घर आते थे मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे वाल साहब ने लगाया था इनको कि मुझे आके सपारा पढ़ाया करें, तो ये मुझे पढ़ाने के लिए आते थे। तो बस जैसे ही इनको आहिस्ता, पहले पहले तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जब ये तकरीबन 10-15 सपारे इन्होंने मुझे पढ़ा लिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे भी अच्छे लगना शुरू हो गए और इनको भी मैं पसंद आना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत हो गई हमें और फिर बाहर शादी तक पहुँच गई। इन्होंने कहा कि जी, पहले इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम मुझसे शादी करोगी? तो मैंने कहा जी बिल्कुल क्यों नहीं करूँगी, मुझे तो पसंद है, लेकिन ये है कि मेरे वालदैन जो है वो मानेंगे तो उसके बाद मैं शादी कर लूँगी आपसे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू से बात हुई तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मसले वगैरह खड़े किए कि नहीं हमने शादी नहीं करनी, वो पढ़ाने के लिए आते थे, अब हमारी इज्जत क्या बनी है, ये वो, इस तरह से काफ़ी सारे मसले हुए हमारे साथ। तो खैर मैंने भी डटी रही इस बात पे कि मैंने शादी करनी है तो इनसे करनी है, और ये भी डटे रहे कि इन्होंने मुझसे ही शादी करनी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है कुट्टे मारे खा खा के तो बस हमारी आहिस्ता आहिस्ता शादी हो गई। तो आप बताएं जी, आप थोड़ा कारी साहब वैसे बड़े शर्मीले लग रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि उनके इस मोहब्बत में क्या मुश्किलात आई, कैसे आपको फेस करना? मुश्किलात तो भाई बहुत आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने चाहा वो अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया, और बे इंतहा मोहब्बत की मैंने इनसे, और अल्लाह पाक ने आज आपके सामने है जी, ये बिल्कुल मेरे निकाह में और मेरे साथ हैं। मुश्किलें तो इतनी पेश आई कि इसने मेरी वजह से, मेरे साथ मोहब्बत करने की वजह से बहुत मार भी खाई, और मैंने बहुत जिल्लत भी बर्दाश्त की आवाम की, लोगों की, ठीक है, अपने मोहल्ले वालों की, रहने वालों की, घर वालों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकाम पर खड़े हैं आज। तो आप में से पहले मोहब्बत का इजहार किसने किया? जी बिल्कुल मैंने किया पहले मोहब्बत का इजहार। आप दोहराएंगे कैसे आपने? वो तीन अल्फाज यही थे कि जी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे निकाह करना चाहता हूँ, बस वो तीन अल्फाज ये थे, और आंखें इधर उधर थी कि बस कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, डर खौफ भी था, डर खौफ भी था, क्योंकि इसी के घर में बैठा हुआ था और कुरान पाक पढ़ा रहा था मैं उस वक्त। बहुत दुलेर हैं आप। कुरान पाक जैसे ही बंद किया, इसने कुरान पाक पढ़ लिया, और आखिरी सी पारा था और आखिरी दिन था, उसी दिन मैंने बात की और उसी दिन मैंने इसका नंबर ले लिया। तो आपने मौके पे चौका मारा।